अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चिकन ब्रेड की रेसिपी लाई हूँ। इसको मैं राउंड शेप में बनाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है। आप इसको बना के रख लें, प्लास्टिक रैप में इसको कवर कर लें और जब आपका दिल करे आप इसको निकालें और इंजॉय करें। जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं आप इसको तब बना सकते हैं या आप इसको टी टाइम में बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग को रेडी करेंगे और इसके लिए मैंने बटर लिया है 25 ग्राम। आपने इसमें घी या ऑयल को यूज़ नहीं करना, जस्ट बटर को यूज़ करेंगे क्योंकि इस चीज़ का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैंने इसमें अनियन को यूज़ किया है, 1 मीडियम साइज़ का लिया था और इसको मैंने चॉप कर लिया है। ऑलमोस्ट 3 मिनट्स के लिए हम इसको स्टिर करना है। अब 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे और इसमें डाल देना है। 1 मिनट के लिए हम इसको स्टिर करेंगे। आफ्टर 1 मिनट इसमें मिल्क को ऐड करेंगे और मिल्क लिया है 1 कप। इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस को ऐड करेंगे। तो मैंने सॉल्ट लिया है 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। ये हमने इसमें डाल देना है और इसको मिक्स करना है। अब मैंने 1 ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया हुआ था, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये हमारी जो स्टफिंग है ये थिक हो जाएगी, और जब ये थिक हो जाएगी तो हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो जाएगी। सो माई फ्रेंड्स, ये स्टफिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जैसे आप बेकरी से लेके आते हैं चिकन ब्रेड, ये सेम वही रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये डो मैंने पहले से बना ली थी टाइम सेविंग के लिए और ये मैं आपको पहले काफ़ी दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ। तो इसका रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसको कैसे रेडी किया जाता है। तो ये देखिए, हमने डो को रोलर की हेल्प से इस तरह से लंबा कर लिया है और जो चिकन की स्टफिंग रेडी की थी वो 1 साइड पे लगा रहे हैं लंबाई में। इस तरह से हमने लगाते जाना है। ये देखिए, हमने इस तरह से इसके ऊपर कट्स लगा लिए हैं। अब डो की ऊपर वाली साइड पकड़नी है और चिकन को हमने कवर कर देना है। इस तरह से सारा करने के बाद हम इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए, पैन को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था और ये डो मैंने इस तरह से राउंड करके इसमें रख दी है। और अब हम इसको प्लास्टिक रैप के साथ कवर कर देंगे और 30-40 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे ताकि ये राइस हो सके। जब भी आप बेकिंग करें तो इसके 30 मिनट्स पहले ओवन को प्रीहीट ज़रूर कर लिया करें, इससे आपकी बेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये देखें, ये राइस हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर एग योक लगा रही हैं ताकि इसका कलर ज़्यादा अच्छा आए। एग योक लगाने के बाद हमने इसके ऊपर तिल स्प्रिंकल करने हैं और इसको हमने बेक होने के लिए रख देना है। ओवन का टेम्परेचर 180 डिग्री है और 30 मिनट्स के लिए हमने इसको बेक करना है। तो ये देखें, 30 मिनट्स हो चुके हैं और
और चिकन ब्रेड रेडी होके आ चुकी है। अब इसके ऊपर ऑयल ब्रश करेंगे और 10 मिनट के लिए कवर करके इसको रख देंगे। इस तरह से आपकी डो सॉफ्ट रहती है, बहुत यमी होती है। सो माय फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो दोबारा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।